सबका सहयोग है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग महिला का। अन्य लोगों का भी वोट मिलेगा, लेकिन महिला का एक भी वोट इधर उधर नहीं जाएगा। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर 11 जो सीट है जेडीयू की, उसकी नामों की घोषणा कर दी गई। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी हैं। सर, नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के नाम पर क्या इस बार भी वोट पड़ेगा? 100% पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नीतीश कुमार जी के नाम पर। जो पंचायत में 3 फैक्टर है, इसी पंचायत में महिलाओं का रिजर्वेशन हो, अति पिछड़ों को रिजर्वेशन देना हो, दलित को रिजर्वेशन देना हो, ये सारा काम NDA सरकार और नीतीश कुमार जी ने किया इस बिहार में, उससे पहले नहीं था। और मैंने अभी बताया आपको कि जितनी बड़ी संख्या में महिला पंचायत में चुनाव जीत के आती है, आज जितना बड़ा उनका से डिसीजन मेकिंग में हुआ है, ये तो पहली बार हुआ ना। नहीं तो हम लोग तो 50% को एलिनेट करके ही चलते थे। ये जो जीत के आई है, निश्चित रूप से उनका भावना नीतीश कुमार जी और NDA सरकार के साथ है। अन्य लोगों का भी वोट मिलेगा, लेकिन महिला का एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने वाला। वार्ड में पंचायत में लेकर नीतीश कुमार की सरकार ने एक बड़ा परिवर्तन किया, 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, उस सब चीज़ का फायदा इस बार के चुनाव में लग रहा है? डेफिनेटली होगा। और एक तो ये पार्ट है रिजर्वेशन का, लेकिन ओवरऑल जो हम लोग काम भी कर रहे हैं उसका भी तो इम्पैक्ट है। अगर गांव में रोड बना है, पंचायत में रोड बना है, अगर पंचायत में बिजली है 24 घंटे, पंचायत में पीने के पानी का अरेंजमेंट हो रहा है, तो उसका प्रभाव तो आम जन में पड़ता है। या जो हमारे मुखिया पंचायत समिति जो काम करते हैं वहाँ पर, वो भी तो देखते हैं सरकार में कैसा काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से NDA के पक्ष में जो बिल्कुल हवा है, और मुझे बिल्कुल भरोसा है। लोग कहते हैं कभी कभी कि चुनाव अलग किस्म का होता है, अलग तरीका होता है, ज़्यादा अन्य माध्यम को यूज किया जाता है, तो वो हो सकता है कि कोई इधर उधर करे, लेकिन वोट के समय तो कुछ रहता नहीं है, वोट तो अपने मन से लोग देता है। अच्छा सर, RJD जो दावा कर रही हैं कि मुखिया स्तर पर उनके सदस्य ज़्यादा जीत कर आए हैं तो वो सीटें जीतेंगे, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है? अब पता नहीं कहाँ से ये सब फिगर लेके आते हैं, वो कहाँ से, जब मौका मिला तो कहे ने रिजर्वेशन दिए थे अति पिछड़ा को, थे ना 15 साल उसी के वोट पर थे, तो कहे ने अति पिछड़ा को रिजर्वेशन दिए थे, क्यों ने महिला को रिजर्वेशन दिए थे? इन लोगों की मानसिकता हमको नहीं लगता है। और आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, एग्जिट पोल भी आ गया, देख रहे हैं ओवरऑल माहौल क्या है, तो इसलिए हमको नहीं लगता है कि इस सब बात में कोई दम है। उनका एक अपना एक जो भी बेस है उस पे काउंट करते होंगे बैठ करके, जो जिसको आधार मानते हैं, लेकिन हम लोगों का सारा समाज का समर्थन है। सर, महिला पूरे इम्पैक्ट होकर आप लोगों के साइड है, क्या लगता है? एकदम, मैंने कहा कि महिला वोट एक अपने इंडिपेंडेंट माइंड से वोट डालती है, वो हम लोग के सरकार में लोगों ने देखा। और नीतीश कुमार जी को अगर सत्ता में आने में अगर किसी का सबका सहयोग है, लेकिन सबसे बड़ा सहयोग महिलाओं का। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री संजय झा जी थे, जिन्होंने बताया कि साइलेंट वोटर और महिला का जो वोट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी था, और सभी के विकास से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त बने हुए हैं।